फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि NS200 ले या फिर पल्सर 220F ले। तो आज ये पूरा वीडियो देख लो और आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये उसे कौन सा बाइक लेना चाहिए, पल्सर 200 NS और 220F। तो मैं आज दोनों की कंपेयर करूंगा और उसके बाद आपको जो सही लगे आप वो खरीद लेना। तो मैं दोनों की जो प्रोस और कॉन्स है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए पहले दोनों बाइक का वॉक अराउंड ले लेते हैं। दोस्तों, NS200 में सिंगल मोनोशॉक एब्जॉर्बर दिया गया है जो कि बाइक के सेंटर में लगा हुआ है, ये देख लो। और दूसरी तरफ पल्सर 220F में डबल जो नाइट्रक्स सस्पेंशन है वो यूज़ किया गया है। तो सिंगल के मुकाबले जो डबल सस्पेंशन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और दोस्तों दूसरी बात, NS में हैंडल के साथ ही हेडलाइट लगा हुआ है, इसीलिए आप जिधर भी आपकी हैंडल टर्निंग करते हो उसी के साथ लाइट भी उधर ही टर्न होता है, तो ये एक अच्छी बात है। और जो कि 220F फेयरिंग बाइक है इसीलिए उसमें जो है लाइट घूमता नहीं है, वो सीधी ही रहता है। तो ये पहाड़ी इलाकों में जब आप चलाओगे तो उस समय दिक्कत हो सकता है। अच्छाई की बात करूं तो इसका जो इंजन है वो काफ़ी पावरफुल है और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। और दूसरी तरफ अगर यहाँ पे 220F की बात करें तो 220F में आपको जो है ऑयल कूलिंग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो आपका इंजन ऑयल है वही कूलिंग सिस्टम के अंदर कूल होके फिर से वापस इंजन में जाता है। और ये फुल्ली नेकेड बाइक है इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है NS। तो NS का मतलब ही है जे नेकेड स्पोर्ट्स बाइक। तो इस बाइक पे आपका जो हेडलाइट है वो बहुत ही छोटा मिलता है और इसका एक फ़ायदा भी है और इसका एक नुकसान भी है। अगर फ़ायदे की बात करें तो इसके साथ आपका जो हैंडलिंग का टर्निंग रेडियस है वो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। इसी तरह अगर 220F की बात करें तो इसका जो कॉर्नरिंग है टर्निंग रेडियस वो बहुत ही कम है। छोटे जगह पे अगर आप इसको टर्निंग करने की कोशिश करते हो तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। और लुक की बात करें तो दोस्तों ये नेकेड बाइक है इसीलिए सामने की तरफ से अगर आप इसको देखते हो तो उतना ज़्यादा बड़ी बाइक जैसे फीलिंग नहीं देता है, लेकिन 220F की बात करें तो ये बड़ा बाइक जैसा फीलिंग देता है। और साइड पैनल से अगर देखते हैं साइड से तो साइड से इसको बहुत ही मस्कुलर लुक दिया गया है, तो साइड से आपको बहुत एक मस्कुलर टाइप का बाइक मिलेगा, लेकिन सामने की तरफ से एक छोटा टाइप का कुछ बाइक लगेगा। तो आइडेंटिफिकेशन में जो है इसका लुक थोड़ा सा आइकॉनिक है और स्प्लिट सीट दोनों ही है, लेकिन NS का जो स्प्लिट सीट है वो पिलियन सीट थोड़ा सा हाई है 220F के मुकाबले। तो अगर आपकी घर में बुजुर्ग जो लोग हैं तो वो जब बैठेगी पीछे की तरफ तो ज़्यादा दिक्कत होता है, हालांकि इसमें भी थोड़ा सा हाइट दिया गया है पिलियन पे। अगर दोनों बाइक की एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो फिर आप देख सकते हो NS की जो एग्जॉस्ट है यानी कि साइलेंसर वो अंडर वेली एग्जॉस्ट है, इसीलिए आपको नीचे की तरफ ये मिलता है और साइड में दिखाई नहीं देता है उतना, पर इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो उतना अच्छा नहीं है 220 के मुकाबले, क्योंकि आप सभी लोगों को तो पता ही है जो 220F का जो साइलेंसर है इसका जो साउंड है तो इसकी वजह से भी जो 220 है वो काफ़ी फेमस है। तो अगर आप 200 NS लेते हो तो आपको ये साउंड तो मिस करना ही पड़ेगा। इसका जो साउंड है दोस्तों वो कमाल की है, तो ये साउंड आप लोग मिस कर दोगे। और दोनों पे ही पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक दिया गया है और दोनों ही बाइवर का डिस्क ब्रेक है, तो दोनों में ही 230 mm का डिस्क ब्रेक दिया जाता है। तो पीछे का डिस्क ब्रेक उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और दोस्तों ये जो NS है वो काफ़ी पुराना मॉडल है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे शायद आप लोग देख सकते हो कि
ABS, ये नॉन ABS वाला है, ABS मिसिंग है इसमें। तो अभी जो ABS मॉडल है उसका जो फ्रंट डिस्क है वो काफ़ी बड़ा है 220F के मुकाबले, तो आपको जो है ग्रिपिंग 200 NS में ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और दोस्तों दोनों बाइक की अगर टैंक की बात करूँ तो देखिए 220F के टैंक के मुकाबले NS का जो टैंक है वो काफ़ी मस्कुलर है, और फ्यूल कैपेसिटी दोनों में लगभग सेम ही है। और दोस्तों एक बात कहूँ कि सिर्फ बाइक खरीद लेना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके बाद आपको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो अगर मेंटेन की बात करूँ तो आप 220F के जो पार्ट्स है वो काफ़ी आसानी से आप खोल सकते हो और उसको मेंटेन आप घर पे ही खुद ही कर सकते हो। लेकिन NS में क्या है, वो थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप से बनाया गया है, इसीलिए आप अगर मान के चलो कि एयर फिल्टर को आपको बाहर निकालना है तो फिर 220F में जो एयर फिल्टर है वो यहाँ पे साइड पैनल पे है, आप सिर्फ एक स्क्रू खोल के ही उसके अंदर छोटा छोटा 6 स्क्रू है उसको खोलते ही आपका जो एयर फिल्टर है वो बाहर आ जाएगा। आप ये घर पे ही कर सकते हो, मैं भी करता हूँ। पर दोस्तों अगर 200 NS की बात करें तो वहाँ पे ऐसा है कि आपको पूरा का पूरा टैंकी खोलना पड़ेगा, और खोल के उसके बाद ही आपको जो है एयर फिल्टर उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो आप ये घर पे खुद नहीं कर सकते हो, अगर आप एक प्रो नहीं हो तो आपको हमेशा मैकेनिक के पास जाके ही खोलना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है 200 NS का। और फ्रेंड क्योंकि 220F जो है वो सेमी फेयरिंग बाइक है, यानी कि आपको भाइजर मिलता है सामने की तरफ बड़ा, तो इसीलिए जो विंड ब्लास्ट है वो आप काफ़ी वीडियो में देखा भी होगा और सुना भी होगा, तो विंड ब्लास्ट का जो प्रॉब्लम वो 220F में नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक है इसीलिए आपको विंड ब्लास्ट नहीं फील होता है। और हाई रोड पर जब आप क्रूजिंग करते हो तो उस समय आपको बहुत ही आसानी होता है। लेकिन उसी तरह अगर हम 200 NS की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है नेकेड बाइक मिलता है, इसीलिए आपको टॉर्क जो है कम स्पीड पे अगर चलाते हो 100 या फिर 120 तक तो फिर आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब होगा कि आप अगर हाई स्पीड पे अगर टॉप एंड पे अगर आप राइड करते हो या फिर क्रूज करते हो, अपने बाइक को भगाते हो, तो उस समय जो है विंड ब्लास्ट के कारण आपका बाइक बहुत ज़्यादा रफ्तार से दौड़ नहीं सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है NS 200 का। तो आपने काफ़ी जो है वीडियो में देखा भी होगा कि 200 NS हवा की वजह से उतना टॉप स्पीड पे नहीं भाग सकता है जितना कि 220F टॉप एंड पे भागता है। तो ये दोनों में एक फ़र्क है। और दोस्तों अगर लॉन्ग टूरिंग की बात करें तो आप ये जो दोनों बाइक देख रहे हो, दोनों बाइक पे ही आपको लॉन्ग टूरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और माइलेज की बात करूँ तो NS 200 में पावर ज़्यादा है इंजन का, इसीलिए आपको माइलेज जो है NS 200 में थोड़ा सा कम मिलेगा। उसी के मुकाबले अगर 220F की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों सीट की अगर बात करते हैं तो फिर इसमें जो स्प्लिट सीट है वो काफ़ी ऊपर और नीचे की तरफ है, इसीलिए दो लोग तो इसमें जो सीटिंग जो लेंथ है वो दो लोग बैठने के लिए सही है। लेकिन अगर तीन लोग बिठाते हो तो फिर ये जो पीछे की तरफ आप देख रहे हो ग्रैब रेल के ऊपर आके बैठ जाएगा, तो इसका जो सीट लेंथ है वो उतना लंबा नहीं है 220F के मुकाबले। तो 220F में आप लोगों को तो पता ही है कि दोस्तों हम जो इंडिया वाले हैं वो काफ़ी दिल वाले भी होते हैं, तो ऐसा होता है जब हम फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो दो, और कभी कभी देखिए ये तीन लोग अभी चले गए तो फिर बाइक पे तीन लोग भी हम शेयर कर लेते हैं। तो उसके मुकाबले अगर 220F में देखें तो यहाँ पे आप तीन लोग आराम से बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो टैंक है वो उतना ज़्यादा ऊँची नहीं है NS के मुकाबले, ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। आप हार्ड ब्रेकिंग करते हो तो दोनों टांगों के बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हो तो। उसी के मुकाबले इसका जो सी टैंक है 220F का, तो ये उतना ज़्यादा इसका हाइट नहीं है, इसीलिए आप उतना ज़्यादा दोनों टांगों के बीच में प्रेशर फील नहीं करते हो दोस्तों। तो आशा करता हूँ मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे जितने भी सारे जेंट्स लोग हैं। और दोस्तों आप इसे बिल्कुल गलत तरीके से मत लेना, जो प्रैक्टिकल बातें हैं मैं वही बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर दोनों बाइक की बात करूँ लास्ट में तो यही निकल के आता है कि 220F जिसमें आप काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और पर्सनली मैं इसे यूज़ भी कर रहा हूँ। और वही अगर NS की बात करूँ तो NS में ऐसा है कि आप NS में
बहुत से चीज़ें हैं जो आप हाथों से खुद घर पे नहीं कर सकते हो, आपको छोटी छोटी बातों के लिए भी जो है मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। और बजाज ने जो एनएस बनाया है तो इसका बहुत सारा क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें लगाया गया है, लेकिन फिर भी इसका जो टॉप एंड है वो उतना खास नहीं। दोनों बाइक की अगर बात करूँ तो मुझे तो स्पेशली 220F अच्छा लगता है, लेकिन आपकी जो पसंद है वो खुद आपकी ही है, तो आप डिसीजन लीजिए। मैं दोनों की जो प्रोस और कॉन्स है उसके बारे में बता दिया हूँ, तो आगे जो फैसला है वो आपकी है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे जो चैनल है राज बेंगली दोस्तों, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।